बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 10 के। चैप्टर नंबर 10 है, थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनामिक्स का मतलब है कि हम हीट की ट्रांसफर मटेरियल बॉडीज के अंदर देखते हैं, इन और आउट उसका हम देख रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज द अर्थ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले आपने ये समझना है। थर्मल इक्विलिब्रियम होता है कि दो बॉडीज का एक टेम्परेचर पे आ जाना। तो जैसे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 10 मिलियन केल्विन है, जो बहुत ज्यादा है। 10 मिलियन केल्विन का टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा है, और उसके कंपैरिजन में जो अर्थ का टेम्परेचर है 330 केल्विन मैक्सिमम यहाँ तक जाता है, ये बहुत कम है। तो इसलिए कंटिन्यूस हीट फ्लो होता रहता है सन से अर्थ की तरफ। तो उसमें दिन के वक्त वो हीट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और रात के वक्त वो हीट फ्लो जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह कंटिन्यूसली एक हीट एनर्जी का फ्लो चल रहा है। अब इस बड़े डिफरेंस की वजह से जो थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो सकता, उसकी रीज़न हम यहाँ पे लिख रहे हैं। पहले तो टेम्परेचर लिख दिए, ड्यू टू दिस लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस सन कैन नॉट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जो भी दो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे उनका सेम टेम्परेचर होना चाहिए। तो अर्थ और सन का सेम टेम्परेचर नहीं हो सकता, और जब सेम टेम्परेचर हो जाए किसी दो ऑब्जेक्ट्स का तो वहां पे हीट फ्लो रुक जाता है। बट वी आर गेटिंग हीट एनर्जी कंटिन्यूसली फ्लोज फ्रॉम सन टू अर्थ, दैट इज वाई दे आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो बेसिक रीजन तो ऊपर हमने लिख दी कि इसका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अर्थ कभी भी उस टेम्परेचर पे नहीं पहुंच सकती जो सन का टेम्परेचर है, इसलिए ये थर्मल इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं बन सकता। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन अ ब्लॉक विद अ होल इन इट इज हीटेड, व्हाई डज नॉट द मटेरियल अराउंड द होल एक्सपेंड इन टू द होल एंड मेक इट स्मॉल। तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं, जैसे मैं ये डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट इस तरह का है जिसमें ये जो जगह है उसकी ये फील्ड है, ये वाली जगह, ये मटेरियल इसमें फील्ड है, और जो जगह एम्प्टी है वो इसके दरमियान में उसमें होल है वो आपको नजर आ रहा है। तो ये जो जगह फील्ड है, यहाँ पे मटेरियल या मेटल उस बॉडी का मौजूद है। तो ये अंदर की तरफ वो कहते हैं कि एक्सपेंड होके अंदर की तरफ क्यों नहीं आता मटेरियल इस तरफ, तो उसकी रीजन हमने लिखी है कि ये क्यों नहीं आता। व्हेन अ ब्लॉक विद अ होल इन इट इज हीटेड द मटेरियल अराउंड द होल एक्सपेंड इन ऑल डायमेंशन, वो तमाम डायमेंशन में फैलता। तो इन वन डायमेंशन मॉलिक्यूल डिक्रीजेस द साइज ऑफ द होल, देन एट द सेम टाइम सम अदर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस द साइज ऑफ द होल। इसलिए होल के साइज पे जो है वो असर नहीं पड़ता इसके ऊपर, क्योंकि वो तमाम डायमेंशन में मॉलिक्यूल्स एक्सपेंशन ले रहे होते। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ थर्मामीटर इज प्लेस्ड इन डायरेक्ट सनलाइट, will it read the temperature of the air or the sun or of something else? A thermometer actually measures its own temperature. ये चीज़ आपने याद रखनी। टेम्परेचर जो है वो उसके अपने अंदर मौजूद, मसलन उसके अंदर मरकरी है तो मरकरी के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर होगा, जो एक बल्ब के अंदर है यानी गिलास का बल्ब है वो, तो गिलास के मॉलिक्यूल्स अब आ गए, फिर गिलास के बाद उसके बाहर एयर है। तो जब थर्मामीटर को हम सनलाइट में प्लेस करते हैं तो वो जो रेडिएशंस हैं वो अपना असर दिखाती हैं थ्रू एयर। तो उसकी जो कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये दो चीजें चल रही होती हैं, रेडिएशन भी होती है लेकिन उसका असर बहुत कम होता है। तो वो
मटेरियल जो भी थर्मामीटर के अंदर है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है एयर के साथ, तो वो इसका मतलब है एयर का टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहा है। सो व्हेन द थर्मामीटर इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद एयर द टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू एयर टेम्परेचर, ये इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर है, द प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग हाइड्रोजन विल लीक मोर क्विकली देन इफ इट इज कंटेनिंग ऑक्सीजन, व्हाई? तो एक सिलेंडर में दो गैसेस का कंपैरिजन दे रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस लें तो वो तेजी से लीक करती है एज कंपेयर टू अगर उसमें ऑक्सीजन फिल हो। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, सिंस द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 16 टाइम्स लेस देन द मोलर मास ऑफ द ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन आपको पता है कि हाइड्रोजन है H2, तो H2 इसका आपके पास जो ऑलमोस्ट 2 AMU इसका एटॉमिक मास यूनिट आया, जबकि इसके मुकाबले में हम जब ऑक्सीजन लेंगे तो उसका 32 AMU जो है वो आपके पास मास आएगा। तो इस तरह 16 टाइम्स ये ग्रेटर हो जाएगी ऑक्सीजन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हल्की होने की वजह से आपकी जो हाइड्रोजन है वो तेजी से डिफ्यूज होगी और उसकी डिफ्यूजन रेट बहुत तेज होगा, और डिफ्यूजन रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपको पता है कि डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो इस वजह से हाइड्रोजन शैल लीक मोर क्विकली एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम इन विच एन एयर कंडीशनर इज रनिंग ऑन द टेबल ऑफ द रूम इन द मिडल। कमरे को ठंडा करने के लिए जरूरी है, आपने खुद देखा है कि एयर कंडीशनर का एक हिस्सा कमरे के अंदर होता है और दूसरा हिस्सा कमरे से बाहर होता है। कमरे से बाहर वाले हिस्से को हम आउटर कहते हैं। आउटर में कंप्रेसर लगा होता है जो कंप्रेस करके गैस को अंदर भेज रहा होता है एवापोरेटर के अंदर, और एवापोरेटर में से ठंडी हवा जो है वो उस गैस के जरिए थ्रो की जाती है कमरे के अंदर। अगर इन दोनों चीज़ों को आप कमरे में दोनों को अंदर ही कर दें तो एक ही टाइम पे वो ठंडी हवा भी कमरे में फेंकेगा और गर्म हवा भी उसी कमरे में रिजेक्ट करेगा, तो दोनों चीज़ों का असर तकरीबन बराबर हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शनल इफेक्ट्स की वजह से गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, नेग्लिजिबली आप उसको स्मॉल अमाउंट कह सकते हैं। तो इसका आंसर यूँ लिखा है, इन आइडियल केस, ये आइडियल केस है, आइडियल केस में यही है कि 100 जाउल अगर कमरे से हीट निकाली जा रही है तो वही 100 जाउल कमरे में थ्रो इन कर दी जाए, तो 100 माइनस 100 आंसर 0 हो जाए। इन आइडियल केस व्हेन एयर कंडीशनर इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द रूम एब्जॉर्ब्स एज वेल एज रिजेक्ट्स हीट इन द रूम एट द सेम रेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड अनइफेक्टिव, तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बट इन प्रैक्टिकल ड्यू टू वर्किंग ऑफ कंप्रेसर सम हीट एवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सो द टेम्परेचर ऑफ द रूम मे रेज स्लाइट, हाउ एवर दिस राइज इन टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल। तो ये यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डज द प्रेशर ऑफ द एयर इन ऑटोमोबाइल टायर इंक्रीज इफ द ऑटोमोबाइल इज ड्रिवन फॉर अ वाइल। ये बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए या पंजाब के बोर्ड्स में 2 मार्क्स के लिए ये आ चुका है। तो अभी तो ये चूंकि फेडरल बोर्ड की बुक का क्वेश्चन है, यहाँ 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका देखें कि प्रेशर ऑफ एयर कार टायर के अंदर थोड़ा सा जब गाड़ी चलती है तो क्यों बढ़ जाता है, तो आंसर फार्मूले से हम दे रहे हैं, एज प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 n0 है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो फार्मूला है प्रेशर ऑफ गैस का, इसमें देखें काइनेटिक एनर्जी आ रही है 1/2 mv². व्हेन ऑटोमोबाइल इज मूविंग ऑन द रोड सम वर्क मस्ट बी डन ऑन ओवरकमिंग रोड फ्रिक्शन, द वर्क डन कॉज द टेम्परेचर राइज ऑफ द एयर इन द टायर।
एज द टेम्परेचर राइजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी यही वाली एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जो यहाँ पे लिखी है ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर. सिंस फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द एयर इन ऑटोमोबाइल टायर, दस इट इंक्रीजेज, प्रेशर इंक्रीजेज व्हेन द कार इज ड्रिवन फॉर अ ड्राइव. क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन रिमूविंग द वॉल्व द एयर एस्केपिंग फ्रॉम अ साइकिल ट्यूब कूल्ड, व्हाई, ये खास प्रोसेस के जरिए होता है, इसकी और एग्जांपल्स भी हैं. जैसे ही कोई टायर बर्स्ट करता है या उसकी ट्यूब बर्स्ट करती है तो एकदम बहुत कम वॉल्यूम से बहुत ज्यादा वॉल्यूम में एयर एस्केप करके पहुंचती है और ये रैपिड एक्सपेंशन कहलाती है. इसको हम कहते हैं बेसिकली एडियाबेटिक एक्सपेंशन. तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन, वैसे ही हम कहते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, ये जनरल सा सेंटेंस है थर्मोडाइनमिक्स में, एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज अ कूलिंग प्रोसेस. सो द टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्रॉप्स, दैट इज व्हाई द एयर एस्केपिंग फ्रॉम अ साइकिल ट्यूब फॉल्स कूल, दिस इज समटाइम्स कॉल्ड एडियाबेटिक कूलिंग. द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंप्रेस गैस इन अ ट्यूब आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड हैव सफिशियंट इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज. When the gas is allowed to expand, the molecules moves apart from each other. उनको बहुत ज़्यादा फासला एक दूसरे से दूर दूर चले गए. Due to expansion, the molecules have to overcome the intermolecular forces. तो उन्होंने अपनी एनर्जी इन intermolecular forces के ऊपर overcome करने में लगा दी. वो एनर्जी उनसे ले ली गई या उसके हाथ से निकल गई. इस वजह से वो तमाम molecules cool down हो गए और उनका temperature कम हो गया. इसकी एक और एग्जांपल होती है जो कमर्शियल लेवल पे बर्फ बनाई जाती है, आइस बनाई जाती है, वो भी इसी प्रोसेस के जरिए बनाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. लिमिटेशंस का मतलब होता है कि ये लॉ क्या क्या चीज हमें सही नहीं बता सकता. लिमिटेशंस का मतलब है कि ये हमें कुछ चीजें पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता. वो क्या, तो हमने चार चीजें लिख दी, इनमें ये काफी हैं. नंबर 1, इट डज नॉट टेल अस इन विच डायरेक्शन हीट फ्लोस, ये नहीं बता सकता फर्स्ट लॉ. इट डज नॉट टेल अस अबाउट फाइनल टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट, क्योंकि ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है, तो ये फाइनल टेम्परेचर नहीं बता सकता. इट डज नॉट टेल अस वेदर द प्रोसेस इज फिजिबल और Not. और आखिरी है, it does not tell us about entropy of the system. तो ये चार और भी हो सकते हैं इसमें limitations हम लिख सकते हैं, लेकिन basically हमने ये चार जो है वो limitations लिख दी कि first law of thermodynamics हमें इन चीजों के बारे में नहीं बता सकते. Question number 9 है, is it not possible according to second law of thermodynamics to construct a heat engine that is free from the thermal pollution. Thermal pollution ये कह रहे हैं कि ऐसा इंजन बनाएं जो Q2 reject ना करे बाहर सिस्टम सिंक की तरफ. तो अगर इसी फार्मूले में जैसे कि हमने लिखा eta efficiency 1 minus Q2 by Q1, तो ऐसा इंजन बनाएं जो जिसमें Q2 की वैल्यू जो है वो जीरो हो, ये वाली वैल्यू. तो यहाँ लाजमी बात है eta का आंसर आपके पास आ जाएगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर है वो 100% हो जाएगा. तो 100% तो आइडियल केस में होता है, वो तो हो ही नहीं सकता. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई इंजन नहीं बन सकता जिस जो कोई हीट रिजेक्ट ना करे सिस्टम. तो पहले ही हमने शुरू में ही लिख दिया इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इन टू यूजफुल वर्क, कि सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाए. बेसिकली हीट इंजन टेक्स हीट फ्रॉम हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से वो लेके पार्शियली कन्वर्ट करता है उसको मैकेनिकल वर्क में, एंड द रिमेनिंग हीट जिसको Q2 कहा जा रहा है वो रिजेक्ट होती है लो टेम्परेचर रिजर्वायर या जिसको हम C
सिंक कहते हैं उसके दस इट प्रोड्यूसेस थर्मल पोल्यूशन टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच इज फ्री फ्रॉम थर्मल पोल्यूशन विल बी क्लियर वायलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको आप और आसानी से ये समझ सकते हैं कि आप कोई भी हीट इंजन रन करें, मसलन गाड़ी का इंजन एक नॉर्मल हीट इंजन है, तो आप कहें कि ये गाड़ी चलती रहे काफ़ी देर और आप आके इंजन आगे बोनट खोल के उसको इंजन को हाथ लगाएं तो उसकी आउटर बॉडी ऐसे ही हो जैसे वो इंजन कभी चला ही नहीं, या जैसे सुबह के वक्त आप हाथ लगाएं तो वो ठंडा होगा, तो ये मुमकिन ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा इंजन बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैन स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस बी जीरो और इन्फिनिटी, कैन स्पेसिफिक हीट बी नेगेटिव, तीन चीजें पूछी। तो हमने इसमें फार्मूला लिखा डेल क्यू एन सी डेल्टा टी, एन नंबर ऑफ किलो मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स, सी स्पेसिफिक हीट है, चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी, सी इज इक्वल टू डेल क्यू बाई एन डेल्टा टी, यहां से स्पेसिफिक हीट का फार्मूला बना लिया। तो अब आप देखें कि अगर इस फार्मूले में सी इक्वल टू डेल क्यू बाई एन डेल्टा टी, इसमें डेल क्यू जीरो हो जाए जैसा कि एडियाबैटिक कंप्रेशन में होता है नीचे लिखा, तो फिर सी की वैल्यू जीरो हो जाए। इसी तरह अगर डेल्टा टी इसमें जीरो हो जाए यानी चेंज इन टेम्परेचर जैसा कि आइसोथर्मल कंप्रेशन में हो रहा होता है, तो फिर नीचे जीरो आ जाएगा, तो आप सी इज इक्वल टू फार्मूला यू लिखेंगे, सी इक्वल्स टू डेल क्यू बाय जीरो, नीचे जीरो आ गया, तो समथिंग अपॉन जीरो दैट इज अनडिफाइंड। आखिरी चीज पूछी कि कैन स्पेसिफिक हीट भी नेगेटिव, तो इसका आंसर लिखा है नो, स्पेसिफिक हीट नेगेटिव नहीं हो सकती। वो क्यों, इसकी डेफिनेशन पे आप जाएं तो डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मोल्स थ्रू वन कैल्विन, तो स्पेसिफिक हीट रेज करती है टेम्परेचर को। अब आप ये लिखें कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द टेम्परेचर, तो रिडिकुलस हमने लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल किया कि तो मुमकिन ही नहीं कि आप किसी चीज को हीट अप करें, उसको टेम्परेचर दें, आप उसको बर्नर के ऊपर रखें, चूल्हे के ऊपर रखें और आप कहें ये अपने टेम्परेचर से फर्दर नीचे आ जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी चीज, तो ये बात कहना आप खुद सोचें कि ये हम कौन सी बात कह रहे हैं कि ये मुमकिन है कि नहीं कि एक चीज को हीट अप किया जाए और वो ठंडी हो जाए। तो इट मीन्स कि ये आखिरी बात जो है स्पेसिफिक हीट नेगेटिव नहीं हो सकती। लास्ट क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल गिवन है कि एक इन्वर्टर क्लेम कर रहा है कि उसने एक ऐसा हीट इंजन बनाया है जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 227 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान 45% एफिशिएंसी रखता है, तो चेक करें कि इसका क्लेम वैलिड है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल है, T1 टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, उसको हमने केल्विन में चेंज कर लिया, 500 केल्विन में, इसमें 273 ऐड कर दिया, T2 टेम्परेचर, इसमें भी 273 ऐड कर दिया, ये 300 केल्विन हो गया। तो इसको हम ले गए फार्मूले में 1 -T2 / T1 into 100, तो यहाँ पुट कर दिया T2 की जगह 300 और T1 की जगह 500। तो ये जब हमने सिंपली सॉल्व किया तो 1 - 3/5 यानी 0.6, तो 0.4 बचा, यहाँ से 0.4 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो 40% आंसर आया, जबकि वो क्लेम कर रहा था कि 45% होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि उसका क्लेम करेक्ट नहीं है, ठीक नहीं है, हेंस क्लेम इज नॉट वैलिड बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन वर्किंग बिटवीन दीज टू टेम्परेचर इज 45% नहीं है। तो ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं समझ आ गए होंगे और आप इनको तैयार कर लेंगे, ये सजेस्टेड आंसर्स होते हैं, ये हमेशा याद रखें, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर जो हैं वो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं, इसमें कहीं पे कोई कमी बेशी अगर रह जाए तो उसको आप उसको बेहतर कर सकते हैं उसके आंसर। थैंक यू वेरी मच।